तो यहाँ पे आप अपने स्पॉन्जी रसगुल्ले बनने शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे देख लो साइज़, देख लो साइज़ भैया ने ऐसा रखा है, ये फुल के बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने करना है। तो भाई रीटा इसलिए डाला जाता है, देख लो किस तरीके का झाग आ रहा है, ये झाग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बनाने के लिए। अब भैया इसमें डाल रहे हैं हमारे रसगुल्ले, स्पॉन्जी रसगुल्ले। तो भाई यहाँ पे रसगुल्ले हो चुके हैं, स्पॉन्जी रसगुल्ले 15 से 20 मिनट इसे हो गए हैं उबलते हुए तेज आँच पे। तो ये बन के डन लिया है। 3 किलो दूध को हम फाड़ेंगे और ये फुल क्रीम दूध है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला लिया है, ठीक है, मदर डेयरी का फुल क्रीम 3 किलो ये दूध है, इसको अभी हम फाड़ेंगे। तो भाई इसमें उबाल आ चुका है और इसको आप करना है ठंडा, इतना ठंडा करना है कि आप उंगली डाल सको, मतलब आपको वो गर्म ना लगे, गुनगुना टाइप का, गुनगुना टाइप का भैया, गुनगुना टाइप का आपको इसे ठंडा करना है। तो इसमें उबाल आ चुका है भाई। अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आपने ऐसे पानी रखना है और पानी के ऊपर पतीला रख देना है, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो। अदरवाइज़ ऐसे भी रख दोगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं गुनगुना टाइप, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे अपना। तो भाई दूध को फाड़ने के लिए लोग क्या करते हैं घर पे, एक तो वो डालते हैं सिरका, नींबू डालते हैं, बट लेकिन उससे जो हलवाई होते हैं वो वैसे नहीं फाड़ते। यहाँ पे लिया है 2 लीटर पानी, इसको भैया कितना गर्म करना है? नॉर्मल गर्म करना है। इसमें भैया डाल रहे हैं टार्ट्रिक एसिड होता है, जो वो होता है ये, जैसे टार्ट्री अगर आप परचून की दुकान में बोलोगे टार्ट्री दे दो तो आपको ये दे देगा। ये दूध मतलब ये फाड़ने के लिए होगा, दूध को फाड़ना है इस पानी से। और ये भैया सारा पानी यूज़ होगा? सारा, ये सारा पानी यूज़ होगा। इसमें कितना यूज़ होगा ये टार्ट्री? ये करीब का तो 25 ग्राम होगी। 25 ग्राम बस, ये 2 पीस बहुत है, बहुत है। ये 2 पीस से ये पूरा मतलब फाड़ने के लिए काफ़ी है। तो घर पे लोग क्या करते हैं, नींबू डालेंगे, सिर वो डालेंगे सिरका, अभी उससे भी फट जाता है, उससे भी चलता है? नहीं उससे नहीं चलेगा, उससे नहीं चलेगा, उससे मतलब वो नहीं बनेगा जैसा आप हलवाई में ढूंढते हो ना कि हलवाई वाला नहीं बनता घर पे, वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो खिलावट नहीं आएगी। तो ये सारी सीक्रेट रेसिपी आपको मिल रही है, तो इसलिए चैनल को अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन है बगल में वो भी दबा दो, क्योंकि काफ़ी सारी अब मिठाई की रेसिपी आने वाली है। और हमको सपोर्ट करो यार, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। तो इसको कितना करना है भैया? अब ये घुल जाए? हाँ घुल जाए बस, ये जितना जब तक ये घुल जाए टार्टरी जो भी है, तो तब तक ये इसको मतलब गर्म करना है। और आँच रखनी भैया नॉर्मल? नहीं आज गुनगुना पानी करना है थोड़ा सा। अच्छा गुनगुना पानी करना, ये अपना आप घुल जाएगा फिर उसके बाद? घुल जाएगा। अच्छा घुल जाएगा अपने आप, तो चलिए इसको होने देते हैं। तो यहाँ पे भैया ने मुझे एक चीज़ बताई है, जब तक इसमें खटास ना आ जाए पानी में, पानी को आपको हल्का सा चख के देखना पड़ेगा, जब तक इसमें खटास नहीं आएगी तब तक मतलब ये पूरा नहीं होगा। तो आपने और भी इसमें ये जो दाने हैं टार्ट्रिक वाले और डालने, जब तक इसमें खटास ना आ जाए, जैसे आपको लगेगा हाँ इसमें खट्टापन आ रहा है मतलब ये रेडी है। तो यहाँ पे भैया इसमें पानी डाल रहे हैं जो हमने बनाया था खट्टा वाला, ये देखो इतना डालना है अभी इस तरीके से। पहले हल्का सा दूध डालना भैया इसमें? नहीं देखना ये कैसे फटेगा कैसे नहीं फटेगा। अच्छा कितना फटेगा, मतलब ये दूध फाड़ने के भी ऊपर है, ज़्यादा कम कितना फाड़ना है? हल्का फाड़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना आप। नहीं तो ये भैया 2 लीटर पूरा यूज़ हो जाएगा भाई। तो ये देख लो 3 किलो दूध में 2 लीटर पूरा पानी यूज़ हो जाएगा, मतलब हमें मोटा नहीं फाड़ना है, बारीक फाड़ना है। अच्छा बारीक फाड़ना है, मोटा नहीं फाड़ना, ये छेने के लिए मतलब कहते हैं बारीक फाड़ना है, जैसे रसगुल्ले बनाने स्पंज रसगुल्ले बनाने कुछ भी बनाना है तो उसके लिए बारीक आपको फाड़ना है। हाँ। तो आपको बारीक फाड़ना है, तो धीरे धीरे करके डालिएगा। तो अभी आपको भैया थोड़ा उठा के भी दिखाएंगे कि कितना आपने मतलब किस तरीके से फाड़ना है, मोटा पतला कैसे होता है। जैसे भैया अभी ये मोटा है, बारीक है, अब ये बारीक हो गया, ये देख लो ये बिल्कुल ही फैल सा गया है, ये बिल्कुल ही बारीक हो गया। और जो मोटा होता है वो हल्का हल्का से दाने दाने से बनने लग जाते हैं ना, वो नहीं सही रहता, वो सही नहीं रहता। जैसे हम घर पे बनाते हैं ना, तो आप जब फाड़ोगे तो वो दानों दानों में हो जाता है, ये दानों में नहीं हुआ, ये ऐसे पतला पतला जैसे रुई होती है ना उस तरीके से फटा। ये थोड़ा सा उठा के दिखाओगे हल्का सा? ये देखो ये अलग तरीके का फटा है, और वो जो घर में फटता है वो दाने दाने वाला फटता है। तो इस तरीके से आपने इसे फाड़ना है। ये हो गया भैया? हो गया। तो पूरा यूज़ नहीं हुआ पानी, इतना सा बच गया वैसे, हो जाएगा वो भी। अच्छा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके और डालोगे? जैसे हमें मोटा नहीं पाना, बारीक करके पाना है। अच्छा अच्छा तो धीरे धीरे करके आप डालना और ये पूरा फट जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके भैया पानी डाल रहे हैं, जब एंड में आपको एक बार इसकी शक्ल दिखा दूंगा कि कैसे ये आपको रखना है। अब भैया इसमें नॉर्मल पानी डाल रहे हैं, जो पीने वाला पानी होता है वो डाला है, एक जग भैया? नहीं और डालेगा अभी भैया ने एक जग डाला, यानी कि 1 लीटर इसमें इतना पानी डालना है कि खटास पन ना रहे। अच्छा ठीक है, इतना पानी डालना है अपने कि इसमें खटास पन ना रहे, जो हमने पानी बनाया था टार्ट्रिक वाला उससे खटास पन रहेगी, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा आपका
तो इसलिए इसमें पानी डालना ताकि उसका खटास पर निकल जाए। तो भैया ने अभी तक 2 लीटर डाल दिया, अब आप देखिए इसमें ये हो गया 3 लीटर। तो ये हो गया भैया, हो गया। तो चलिए अब इसको जब भैया छानेंगे तब आपको दिखाऊंगा। कितनी देर के लिए छोड़ना भैया इसे? ये बस 2-4 मिनट। 2-4 मिनट के लिए आप छोड़िएगा, उसके बाद इसे छानना है? छानना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको छानना है धीरे धीरे करके, और यहाँ पे देखो किस तरीके से ये फटा है। तो एक बार फाइनल हो जाने देते हैं फिर आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। सारा पानी आपने निकालना है इसका। तो 5 लीटर पानी में 3 किलो चीनी जाएगी आपकी। और आपको चाशनी किस तरीके की रखनी है वो अभी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए चीनी को घुलने देते हैं। और भाई भैया इसमें डाल रहे हैं चाशनी में रंग काट। ये आप जाओगे ना परचून की दुकान पे तो उसे बोलोगे रंग काट दे दो तो आपको ये दे देगा। एक बार भैया पैकेट दिखाना इसका, ये देखो उल्टा करना भैया, ये है आपका रंग काट, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा मार्केट से ईजिली। और ये आपने एक दाना डालना भैया बस, ये चाशनी में डालने से क्या होता है भैया? इसकी सफाई होती है। सफाई होती है, मतलब चाशनी अगर आपकी चीनी गंदी होगी तो वो साफ़ कर देगा। तो भाई रसगुल्ले और रसमलाई में ये रीटा होता है, इसको तोड़ के एक पानी बनाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है रसगुल्ले और रसमलाई बनाने में। तो इसको अभी कूटेंगे, इसका पानी बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो अभी आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भैया ने रीटा लिया था 20 ग्राम, इसके अंदर का बीज भैया ने निकाल दिया जो छिलके ऊपर के वो लिया है। इसमें पानी इतना डाला कि ये डूब जाए। अब इसे भैया उबालना है, कितनी देर? 5 मिनट इसे तेज़ आंच पे उबालना है। जब खोल जाए बस इस पानी को आपने चाशनी में डालना है। तो भाई यहाँ पे देख लो भैया गंदगी निकाल रहे हैं। तो आपने भैया कब तक इसे उबालना है? जब तक ये गंदगी ना छोड़े, गंदगी निकल जाएगी सारी। ये देख लो ये गंदगी ऐसे निकलती रहेगी थोड़ी थोड़ी, तो इससे ये मतलब आपको पता चल जाएगा हमारी चाशनी होने वाली है। तो थोड़ी देर इसे और पकाते हैं। अभी भैया 5 मिनट तो हो गए ना पकते हुए, अभी आपको चाशनी बताएंगे। चाशनी रखनी कैसे भैया? एक तार वाली, मोटी पतली? एक तार वाली रखनी है। तो भैया ने यहाँ पे चाशनी ली है 1 लीटर अलग से, और उसमें 0.5 लीटर पानी डाला है नॉर्मल। तो भाई ये रीटा का पानी हमने उबाल दिया है, ठीक है, उबाल आ चुका था इसमें। इस पानी को हमने चाशनी के अंदर डालना है। और यहाँ पे अभी आपको बताया था मैंने 1 लीटर चाशनी भैया ने अलग से ली थी, उसमें 0.5 लीटर नॉर्मल पानी डाल के अलग करा था। इसका आगे देखेंगे क्या करने वाले हैं, फिलहाल चाशनी पे वापस आते हैं। तो भाई जब आपकी चाशनी हो जाएगी 5 मिनट उबलने के बाद, तो आपने 1 लीटर इसलिए निकालना है क्योंकि इसमें आपकी जो रसगुल्ले होंगे और जो आपके रसमलाई होगी दोनों आपके इसमें डूबे रहेंगे। इसमें आपके रसगुल्ले और रसमलाई पकेगी। तो ये कितना मिनट अभी और पकाना भैया? मतलब 7-8 मिनट आपने चाशनी पकानी है। 5 मिनट जब हो जाएंगे चाशनी को पकते हुए पहले शुरू के, उसमें 1 लीटर आपने चाशनी निकाल देनी है जिसमें आपने 0.5 लीटर पानी डालना नॉर्मल। इसमें आपके डूबे रहेंगे, इसमें आपके पकेंगे। तो अपना जो छेना था उसको भैया यहाँ पे मल रहे हैं। कितनी देर तक मलना भैया? 2-1 मिनट। 2 से 3 मिनट इसे मलना है अच्छे से, और पानी था वो पूरा निकाल देना इसका, उसके बाद इसे बनाना। तो इसमें कुछ मिलेगा भैया? हाँ मिलेगा। क्या चीज़? थोड़ा सा अरारोट मिलेगा। अरारोट मिलेगा, या तो आप इसमें वो भी डाल सकते हो कॉर्नफ्लोर, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बट कॉर्नफ्लोर थोड़ा महंगा होता है, अरारोट सस्ता होता है। तो इसको 2 से 3 मिनट होने देते हैं से ये लो। तो यहाँ पे भैया डाल रहे हैं अरारोट, ये देख लो आपका 3 बड़े चम्मच होगा, 3 बड़े चम्मच। और अगर हाथ के हिसाब से बताऊँ तो थोड़ा सा कम एक हाथ में। तो इतना आपने डालना है इसमें और अच्छे से मिलाना है। आप कितनी देर मिलाना है बस भैया? हो गया। चलिए ये आपका हो गया, अब इसे अच्छे से थोड़ा सा 1 मिनट और मिलाना है। ये आपका डन है फिर उबलने के लिए। तो भाई ये हमारा डन है, एक बार भैया थोड़ा दबा के दिखाना से, ये देख लो ठीक है। 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से करा है अरारोट मिला के, पहले 2 मिनट ऐसे करा, फिर 1.5 मिनट 2 मिनट इसे अरारोट मिला के अच्छे से मला। तो ये बन के डन है। अब भैया इसकी टिक्कियाँ बस वो गोले बनानी है, इसे छोड़ना तो नहीं है? नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं है ना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं अब। और आपके ऊपर है आप कितने बड़े उसे रखना चाहते हो, मोटे बनाना चाहते हो, छोटे बनाना चाहते हो। छोटे बनाओगे तो ज़्यादा बनेंगे, मोटे बनाओगे तो कम बनेंगे, पर मोटे बनाओगे तो बड़ा बनेगा। तो वो सब आप पे डिसाइड है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। आपको हमने बता दिया। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये मार्केट में भी मिलता है, अगर आपको ये सब झंझटबाजी नहीं चाहिए दूध फाड़ना ये सब, बट लेकिन मार्केट में नकली माल भी मिलता है तो बी अवेयर। तो ये बनने अब शुरू हो चुका है।
तो यहाँ पे जितना हमारा हुआ था उसका आधे का मैं रसगुल्ला बना रहा हूँ और आधे का मैं छोटे वाले रसगुल्ले बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अब अपने स्पॉन्जी रसगुल्ले बनने शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे देख लो, साइज़ देख लो, साइज़ भैया ने ऐसा रखा है, ये फूल के बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने करना है, एक एक करके आप करिएगा, ठीक है? ऐसे मुलायम आपने बनाने हैं, दरार नहीं आनी चाहिए ना भैया, दरार नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आपने इसे गूंदना है, जब इसे मल रहे थे आरोट डाल के इतना रखना है, और जब आप इसे बनाएंगे कि बस दरार ना आए। तो चलिए इसे होने देते हैं। तो भाई रीटा इसलिए डाला जाता है, देख लो किस तरीके का झाग आ रहा है, ये झाग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बनाने के लिए। अब भैया इसमें डाल रहे हैं हमारे रसगुल्ले, स्पॉन्जी रसगुल्ले, जिसकी आप काफ़ी डिमांड कर रहे थे, भाई बताओ रेसिपी बताओ, आज लेकर आ चुके हैं। तो ये है आपका कोलकाता का स्पॉन्जी रसगुल्ला। तो भाई हमें भी सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट भी जरूर करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। भैया कितनी देर तक उबालना है इसे? 15 से 20 मिनट अब ये उबलेगा अच्छे से। इसके बाद रसमलाई की भी रेसिपी आने वाली है, काफ़ी सारी रेसिपी आने वाली है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए इसे 15 से 20 मिनट होने देते हैं। तो भाई यहाँ पर रसगुल्ले हो चुके हैं, स्पॉन्जी रसगुल्ले 15 से 20 मिनट इसे हो गए हैं उबलते हुए तेज़ आँच पर। तो ये बन के डन है, तो अब इसे पलटेंगे हम अपनी दूसरी चाशनी में। तो भाई ये है हमारा फाइनल आइटम, और आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। जब ये बन रहा था ना, मुझे लगा था भाई ये सही से बना नहीं, दिखने में सही नहीं लग रहा, बट लेकिन आपने इसको फ्रिज में रखना है पूरा एक दिन, जब ये ठंडा होगा तो अपने आप सेट हो जाएगा। तो सच में ये फ्रिज में रखने के बाद पूरा सेट हो गया, मैंने इसे एक दिन पहले फ्रिज में रखा था जब ये कल बना था, आज मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आपको जो पतीला लेना है जिसमें भी आप बनाओगे वो थोड़ा सा मोटा रखना, मेरा पतीला पतला था जिसकी वजह से देखो कुछ हमारे रसगुल्ले चिपक गए थे नीचे जाती, जैसे इसमें डाले थे देखो वो नीचे चिपक गए थे, जिसकी वजह से आधा टूट गया। तो खाने में काफ़ी टेस्टी हो रहा है, रात को मैंने एक दो खाया था, तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी हो रहा है, स्पॉन्जी भी है, काफ़ी अच्छा बना है। बस आपको पतीला थोड़ा सा मोटा रखना है, अदरवाइज़ ये थोड़ा ऐसे टूट जाएगा, और थोड़ा थोड़ा सा ही मतलब कोई ज़्यादा चिपक गया, कोई हल्का हल्का सा चिपक गया, तो परफेक्ट बनेगा अगर आपका पतीला थोड़ा सा मोटा रहेगा तो।